असलम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू तो माय चैनल आज की हमारी वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यूने का कैरेटिन स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग सिस्टम कि अगर कुछ लड़कियां हैं जिनको रिबॉन्डिंग करवानी होती है या जिनको अपने बाल जिनके कर लिए होते हैं तो उनको अपने बाल कुछ मंथ्स के लिए जो है वो अपने स्ट्रेट ही रखने हैं वो ये यूज़ कर सकती हैं आज हम इसका रिव्यू करेंगे इसको पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ एक दफ़ा ये मैं दोबारा लेकर आई हूँ इसको हम इसका रिव्यू कर लेते हैं आज सबसे पहले जी हम इसको इस तरह से खोल लेंगे इसके अंदर जी आ, दो ट्यूब्स आप लोगों को मिलेंगी दो क्रीम ट्यूब्स ये देखें जी इसके ऊपर जो है वो नंबरिंग भी मेंशन की हुई है जिस तरह की इसके ऊपर आपको वन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर टू लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा पहले हम स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम न्यूट्रलाइजेशन क्रीम यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ हमें इस डिब्बे में जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी मिलती हैं इस पेज के ऊपर जो है वो आप इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं तो आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है क्योंकि अगर आपको पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं या आपने पहले ये नहीं करवाया हुआ है आप घर पे अगर यूज़ कर रहे हैं या आपने किसी को ये आ, किसी के बालों पे अप्लाई करना है तो आप ऐसे ही इसको अप्लाई मत कीजिएगा पहले इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ें अच्छी तरह से इसको पहले देख लें आपने किस तरह से अप्लाई करना है उसके बाद आप इसको किसी पर या खुद पर यूज़ करें अच्छा जी सबसे पहले देख लेते हैं जो हमने सबसे पहले स्ट्रेटनिंग क्रीम जो है वो यूज़ करनी है इसको हमने किस तरह यूज़ करना है अगर तो आपके बाल गंदे हैं या आपके बाल ग्रीसी और ऑयली हो चुके हैं उस केस में आप लोगों ने अपने सबसे पहले अपने बाल शैम्पू कर लेने हैं शैम्पू करने के बाद आपने इसको गीले बालों पर अप्लाई नहीं करना है आप लोगों ने क्या करना है अपने बाल अच्छी तरह से सुखा लेने हैं या तो टॉवल के साथ या आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं या वैसे ही छोड़ दें कुछ देर के लिए जब बाल सूख जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है जी अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी कर लेना है उसके बाद आपने इसको अपने स्केल्प से ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर दूर करके लगाना है आपके स्कैल्प पे न्यूट्रलाइज सॉरी स्ट्रेटनिंग क्रीम नहीं लगनी चाहिए आपके स्कैल्प के ऊपर आपने इस पे इसका ख्याल रखना है अगर ये आपके स्कैल्प के ऊपर लग जाती है तो आपके बाल गिर सकते हैं डैमेज हो सकते हैं रूट से तो ख्याल रखें कि आपने जब भी सेक्शन बना के इसको अपने बालों के लगाना है तो ये जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है ये आपके स्कैल्प के ऊपर नहीं लगनी चाहिए उसके बाद आपने क्या करना है अपने सेक्शन बना के जिस तरह से भी आपको इजी लगे चार सेक्शन में कर लें दो में कर लें आपने पाँच मिनट के अंदर अंदर इसको लगाने का जो प्रोसेस है वो आपने ख़त्म करना है ठीक है क्योंकि हमने ये जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है इसको हमने ज़्यादा देर नहीं लगा के रखना है तो आपने पाँच मिनट के अंदर, अंदर अंदर इसको लगाने का प्रोसेस जो है आपका वो आपने ख़त्म जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेना है पाँच मिनट में और एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि जब आपने इसको पूरे बालों पर लगा लेना है उसके बाद आपने कम के साथ या अपने हाथों की मदद से अपने बालों में आप इसको इस तरह से फेरें कि आप मेक श्योर sure हो करें कि आप की जो ये स्ट्रेटनिंग क्रीम है वो आपके पूरे बालों में लग चुकी है फैल चुकी है कोई बाल कोई सेक्शन आपका रह नहीं गया है अच्छी तरह से आपके बालों में रह चुकी है और ये जो स्टेप वन है ये आपने बिल्कुल भी ट्वेंटी फाइव मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है अपने बालों में इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने पाँच मिनट से सॉरी ट्वेंटी फाइव मिनट से ज़्यादा पच्चीस मिनट से ज़्यादा इसको आपने अपने बालों में लगा के नहीं रखना है और धोने से पहले एक दफ़ा जब भी अगर आप दस पंद्रह मिनट में धो रहे हैं तो आप एक दफ़ा देख लें कि आपके बाल स्ट्रेट हो चुके हैं या कोई जगह रह तो नहीं गई है इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है अच्छा जी इसके बाद हमने क्या करना है इसके बाद हमने तकरीबन दस मिनट तक अपने बालों को धोना है पानी के साथ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है जब आप स्ट्रेटनिंग क्रीम के बाद अपने बालों को धो रहे हैं तो आपने दस मिनट तक अपने बालों में पानी बहाते रहना है ताकि ये जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है ये अच्छी तरह से आपके जो बाल हैं उनमें से निकल जाए आपके बालों में बाकी ना रह जाए और आपने स्कैल्प में एक चीज़ का ख्याल रखना है धोते हुए भी ये आपके स्कैल्प में नहीं जानी चाहिए इस तरह से और बाल धोने के बाद एक दफ़ा अपना स्कैल्प जो है उसको भी अच्छी तरह आप लोग वॉश कर लीजिएगा उसके बाद इस स्टेप को जब आपने वॉश कर लेना है इसके बाद आपने क्या करना है जी अपने बाल जो हैं वो आप लोगों ने स्ट्रेट कर लेने अच्छी तरह से और स्ट्रेट किस तरह करने हैं आपने एक दफ़ा जब स्ट्रेटनर यूज़ करना है अपने बालों में उसमें आपने क्या करना है जी वो आपने एक सेक्शन पे जब आप लोग स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं उसको आपने छः या आठ दफ़ा स्ट्रेटनर आपने एक सेक्शन में यूज़ करना है ताकि अच्छी तरह से आपके बाल स्ट्रेट हो जाएँ और एक पॉइंट यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्ट्रेट कर रहे हैं एक ही सेक्शन को आप एक जगह पर स्ट्रेटनर जो है वो तीन सेकंड से ज़्यादा नहीं रखेंगे आपने क्या करना है जी आपके बाल हैं उसको आप स्ट्रेट इस तरह से करते आ रहे हैं उसको छः आठ दफ़ा इस तरह से कर दें पर ऐसा नहीं करें कि आप एक सेक्शन में जब स्ट्रेटनर आप कर रहे हैं स्ट्रेट कर रहे हैं अपने बाल स्ट्रेटनर को इस तरह से एक पॉइंट पे आपने नहीं रखना है इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा अच्छा जी उसके बाद आपने क्या करना है जी अपने अपने बाल चित्र से स्ट्रेट कर लिए इसको वॉश करके फिर जी आ जाता है हमारा स्टेप नंबर टू जो कि है न्यूट्रलाइजेशन क्रीम इसका आपको जिस तरह हमें स्टेप वन में कुछ चीज़ें देखनी थी कि आपके स्कैल्प में ना लगे तो इसका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ये अगर आपके स्कैल्प में लगती भी है कोई मसला नहीं है पर आप फिर भी एहतियात करें इसको अपने स्कैल्प में नहीं लगाएं खैर आपने उसी तरह से इसको अच्छी तरह अपने बालों में पूरे बालों पे आपने इसको लगा लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है जी आपने पाँच मिनट में इसको उतार लेना है ठीक है इसको पूरे इसका उसको भी आपने मेक श्योर करना है स्टेप वन को स्टेप स्टेप टू जो है आपका उसको भी आपने अच्छी तरह से सारे बालों में लगाना है और सारे बालों में लगाने के बाद पाँच मिनट से ज़्यादा आपने इसको अंदर नहीं रखना है पाँच मिनट के बाद आप क्या करें पाँच मिनट के बाद आप लोग इसको वॉश कर दें अच्छी तरह से वॉश करें वॉश करने के बाद जी आप अपने बालों को स्टाइल कर सकते हैं स्ट्रेटनर के साथ स्टाइल करें आप अगर कोई उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जब आपने आपको कुछ दिन तीन चार दिन हुए होंगे ये करवाए हुए, हुए। उन दिनों में आपने अपने बालों को कोई इस तरह का इस तरह नहीं बाइंड करना है कि आपके बालों में जो है वो डेंट पड़ जाए या आपने अपने बाल अपने कानों के पीछे नहीं करने हैं आपने अपने बाल खुले रखने हैं और पोनी वगैरह या इस तरह की कैच हम अक्सर लड़कियाँ यूज़ करती हैं आपने अपने बालों को बिल्कुल भी कोई इस बम्प्स नहीं पड़वाने हैं कि आपके बाल इधर से स्ट्रेट आ रहे हैं और पोनी करने की वजह से वो इस तरह से जा रहे हैं आपने अपने बालों को स्ट्रेट रखने के लिए कुछ दिन तक दो तीन दिन तक आप लोगों ने उनको खुले छोड़ना है और बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके बाल बिल्कुल सीधे रहें अच्छा जी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी इसको मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ मुझे इसका साइड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं मिला है बल्कि अच्छी है आपको थोड़ा सा इसमें ख्याल करना पड़ेगा आ, मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़